गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब मज़े में होंगे, आप सब पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर आपके लिए आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का लेसन नंबर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, बहुत ही अलग तरह का लेसन, अलग तरह का चैप्टर है ये, और वैसे देखा जाए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन जो डिफ़िकल्ट है ऐसे लेसन्स को मैं समझता हूँ पहले क्लियर कर लेना अच्छा है, और इसीलिए डिफ़िकल्ट लेसन जो भी है, जो टफ लेसन है, जो थोड़े से पढ़ने में समझने में डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते हैं, तो मैं समझता हूँ मैं उसको पहले क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए, ताकि बाद में जो है किसी भी तरह की आपको एजिटेशन नहीं रहे और आपको याद करने में, उसको समझने में, क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने में आपको परेशानी ना आए। तो आज का हमारा लेसन है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। ये जो नाम है ये एक किंग राजा हुआ करते थे। डिस्कवरिंग, डिस्कवर मतलब खोज करना, द सागा कंटिन्यूज, सागा मीन्स परंपरा, टट की खोज करना, TUT टट, आप सोच रहे होंगे टूट, टूट भी कह सकते हैं लेकिन वैसे जो है टट बोला जाता है इसको, टट की खोज, टट की कब्र की खोज, द सागा कंटिन्यूज, परंपरा जारी है, ये इसका टाइटल है। और इस लेसन में जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है तो मैं सीधे तौर पर आपको बता देना चाहूँगा कि ये पूरा घटनाक्रम जो है एंसेंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके बारे में ये पूरा घटनाक्रम है, उनके बारे में ये चैप्टर दिया गया है जिसमें हम बहुत कुछ जो है इसमें जानेंगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले एंसेंट इजिप्ट की। इजिप्ट यू नो वेरी वेल, मिस्र, प्राचीन मिस्र, प्राचीन मिस्र के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन, वहाँ पर जो परंपरा थी उस परंपरा के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या परंपरा थी, कैसे उसका निर्वहन किया जाता था, क्या क्या उसमें चेंजेज आते रहे, और विशेषकर हम जो है इस चैप्टर में एक राजा हुए थे जिनके बारे में जो टाइटल मैंने यहाँ लिखा हुआ है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन मिस्र में जब राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनका जब निधन हो जाता था, वे लोग जब मर जाते थे तो उनकी जो दफनाया जाता था तो उसके साथ में कई तरह की कीमती वस्तुओं को और साथ ही साथ रोज़मर्रा की वस्तुओं को जो डेली यूजेज की थी, एवरीडे यूज की थी, ऐसी चीज़ों को भी उनके साथ में दफन कर दिया जाता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि वहाँ के लोगों का उनके लोगों का जो है वो बिलीफ था, ऐसा मानना था, मान्यता थी उनकी कि ये उनके आने वाले जीवन में काम आएगी। तो इस कहानी में हम बात करते हैं किंग टूट की। कहानी आपको बता देता हूं मैं, राजा टूट जो है इनका फुल नेम
राजा टूट जो है, जब यह किशोर अवस्था के थे, जब वो टीन एज में थे, तो जब वह टीन एज में थे और जब राजा बने, तो राजा बनने के बाद में इन्होंने जो पुरानी परंपराएं थी उनका वापस जो है, पुरानी परंपराओं का वापस उन्होंने अनुसरण किया। इनसे पूर्ववर्ती जो राजा थे, इनसे पूर्व के जो राजा थे, उन्होंने उन परंपराओं को बदल दिया था। इस कारण जो है, जब राजा टूट वापस राजा बने, तो इन्होंने पुरानी परंपराओं में अपना विश्वास दिखाया और उनका निर्वहन किया। इनका पूरा नाम जो है, किंग टट का पूरा नाम था अब फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने बताया, किंग टूट का पूरा नाम था तूतन खाटेन, लेकिन इस नाम को उन्होंने चेंज कर लिया और उन्होंने अपना नाम तूतन खाटेन से तूतन खामून नाम रख लिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो उसका कारण अभी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि राजा टट से पहले जो राजा हुए थे, उन्होंने लोगों को अटेन की वर्शिप करने के लिए मजबूर कर दिया था। अटेन, देखिए दो नाम जो मैंने लिखे हैं, उसमें मैंने लास्ट का जो वर्ड है उसको अंडरलाइन किया है, अटेन और आमून। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अटेन और आमून। अटेन जो है गॉड ऑफ सन, सूर्यदेव, सूर्य देवता। तो पूर्ववर्ती जो राजा थे, उन्होंने लोगों को, वहां की प्रजा को अटेन की पूजा करने के लिए बाध्य किया था। वह चाहता था कि लोग जो है अटेन की पूजा करें, अटेन को माने। लेकिन बाद में जब टट राजा बने, तो उन्होंने जो है इस परंपरा को हटाया और वापस आमन की पूजा करवाना शुरू किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वह प्राचीन मिस्र के प्रमुख देवता थे, मेजर गॉड ऑफ इजिप्ट। और इसी कारण जो है, राजा टट ने अपना नाम तूतन खातेन से बदलकर तूतन खामून रख लिया था। तूतन खामून का मतलब होता था, तूतन खामून मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तूतन खामून मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमून। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल ईजी कर देता हूँ इसको। एक बार शुरू से वापस डिस्कस करते हैं। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, टट की खोज परंपरा जारी है। राजा टट जो है मिस्र के शक्तिशाली राजाओं में जो राजा थे, शक्तिशाली जो राजाओं का जो साम्राज्य, उसमें अंतिम उत्तराधिकारी राजा टूट ही थे। किंग टूट जो है लास्ट एयर ऑफ द पावरफुल फैमिली ऑफ इजिप्ट, मिस्र के शक्तिशाली राजा जो थे उनके लास्ट अंतिम उत्तराधिकारी यही थे। इनका पूरा नाम तूतन खातेन था, जिसको बदलकर इन्होंने तूतन खामून रख लिया। और तूतन खामून का अर्थ होता है लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून की जीवित प्रतिमा। ये दो नाम जो आए इसमें, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं टट की, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं के बारे में है। तो टट का जो जीवन है और इनकी जो मृत्यु है,
वो दोनों ही एक मिस्ट्री रही है, एक रहस्य बना हुआ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका जीवन जो था वह भी रहस्यों से भरा हुआ था। इतना कुछ चेंजेज किया, अंतिम उत्तराधिकारी थे, सारा कुछ इन्होंने चेंज किया, और जब ये मर गए तब भी इनका इनकी मृत्यु भी जो है वह एक मिस्ट्री, एक रहस्य बना हुआ रहा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इनके मरने के बाद इनकी कब्र की खोज की गई। अब कब्र की खोज की गई, कब्र को इंग्लिश में कहते हैं टॉम, किंग्स टॉम की जो है खोज की गई 1922 में। किंग टट के टॉम यानी इनके टॉम की, इनके कब्र की, इनके समाधि की खोज कब की गई? 1922 में। किसके द्वारा की गई? अ ब्रिटिश, बाय अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था हॉवर्ड कार्टर। ये नाम आप अच्छे से याद कर लेंगे। हॉवर्ड कार्टर ने इनकी समाधि की खोज 1922 में की थी, और जब इनकी समाधि की खोज की गई, इनकी जो समाधि थी, इनकी जब समाधि खोज की गई, जो मम्मी थी वह बड़ी दयनीय दशा में थी। जब इनकी समाधि की खोज की गई तो इनके समाधि के साथ भी बहुत सारी कीमती वस्तुएं निकली, और बहुत सारी कीमती वस्तुएं निकलने के कारण ही इनकी जो टुम थी उसने एक सनसनी पैदा कर दी थी, कॉज्ड सेंसेशन, सनसनी उत्पन्न कर दी थी। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ? इनकी कब्र ने, इनकी समाधि ने सनसनी क्यों उत्पन्न कर दी? क्योंकि इनकी समाधि, जो समाधि में से जो भी मिला सामान, वह अब तक के एवर फाउंड, अब तक के मिले हुए सर्वाधिक, अब तक के मिले हुए जितने भी संग्रह था उनमें सबसे कीमती संग्रह जो है इनकी समाधि में मिला, यानी बहुत ही रिचेस्ट कलेक्शन मिला इनकी समाधि में। आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड्स, सोने से जड़ित बहुत सारी कीमती वस्तुएं, और इसके अलावा जो भी डेली यूजेज की वस्तुएं थी वो सारी वस्तुएं जो है इनके सामान के साथ में मिला। फिर बाद में और क्या क्या परीक्षण किए गए? रिपीटेडली स्क्रूटिनाइज्ड इनकी समाधि जो थी, इनकी जो मम्मी थी, बॉडी जो थी, उसको रिपीटेडली इस बात को आप विशेष ध्यान रखें, इनके शव का बार बार परीक्षण किया गया, जांच पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। राजा टूट की जो समाधि थी उसकी, उसमें जो मम्मी थी, उस मम्मी का, उसका शव का परीक्षण करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए बार बार उसका जो है रिपीटेडली बार बार स्क्रूटिनाइज किया गया, बार बार उनके शव का परीक्षण किया गया। यहाँ तक कि हॉवर्ड कार्टर ने जब उसे पाया, मम्मी को देखा, तो उसमें जो जिस पदार्थ, चिकने पदार्थ लगा के और उसको लगाया जो है मम्मी पर लगाया गया था, वह चिकना पदार्थ इतना कठोर हो चुका था कि वह उस बॉडी से अलग नहीं हो सकता था। इसके लिए उन्होंने जो है, हॉवर्ड कार्टर ने छेनी का भी यूज किया, चिजल का यूज किया, उस सिर को और बड़े बड़े जो भी जोड़ थे उनको अलग करने के लिए। इस तरह से जो है, मैंने ये आपको पहले बताया कि बड़ी दयनीय दशा में थी, और इसके अलावा इनका जीवन और इनकी मृत्यु दोनों ही रहस्यों से भरे हुए थे। इसके अलावा इसमें जो कुछ भी बताया गया है उसको हम पॉइंट्स के माध्यम से अब समझ लेते हैं। कुछ पॉइंट्स इसके मैं जो लिख रहा हूं मेन, वो आप अच्छे से पढ़ें और नोट कर लें।
मेन पॉइंट्स आप अगर इसके लिख लेते हैं और उसको पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन आंसर जो इस लेसन के इस चैप्टर के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आई होप सो। जो कुछ भी पॉइंट्स या कोई बात अगर बतानी रह गई तो वो इस पॉइंट्स में आपके और क्लियर हो जाएगी और अच्छे से आप इसको समझ लेंगे इन पॉइंट्स के माध्यम से। इसका क्वेश्चन आ सकता है हु वाज हॉवर्ड कार्टर, तो आंसर आपके सामने ही है स्टूडेंट्स। हॉवर्ड कार्टर कौन थे? अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड टोडस्टॉम इन 1922। क्वेश्चन किसी भी तरह से आए आंसर आपके सामने है। मेन पॉइंट्स जब आप इसको पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के मैं समझता हूँ बहुत ही ईजी हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स ये हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में और डिस्कस करेंगे। टूट वॉज द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली ऑफ इजिप्ट। टूट जो है मिस्र के शक्तिशाली परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी थे, दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, जिन्होंने शताब्दियों तक इजिप्ट पर शासन किया था, मिस्र पर शासन किया। ही वॉज अ टीनेजर, वो एक किशोर अवस्था के व्यक्ति थे। वैन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई। इट इज सस्पेक्टेड दैट, ऐसा संदेह किया जाता है कि ही वॉज मर्डर्ड, कि उनकी हत्या की गई थी, लोग ऐसा मानते थे। हिज लाइफ एंड डेथ हैव बीन मिस्ट्री, उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही रहस्य से भरे हुए हैं। टूट टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922, टूट की टॉम जो है, राजा टट की कब्र जो है उसकी खोज 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम हॉवर्ड कार्टर था उनके द्वारा की गई थी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास।
जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 3 समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।